केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है। पहले तो जीतन राम मांझी शराबबंदी पर बयान देते हैं, वो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं, एक बार फिर से शराबबंदी की समीक्षा की जानी चाहिए और अभी भी डिलीवरी बॉय शराब की डिलीवरी करवाते हैं। इस तरीके के बयान सामने आए और उसके बाद नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी पर सवाल उठाए गए। एक बार फिर से जीतन राम मांझी की पार्टी हमने कुछ ऐसा कर दिया है कि जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई है। हम पार्टी अपने स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और सदस्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी बीच हम अब केरल तक जा पहुंचा है। केरल के दो दलों को हम पार्टी में शामिल करवाया गया है और ये करवा कर अब जीतन राम मांझी राज्य के बाहर भी अपनी कदम रख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि अब हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, बिहार के अलावा बाकी तमाम राज्यों में जितने दलित समाज हैं, जितने पिछड़े समाज हैं, उन लोगों को अपनी पार्टी में विलय करवाया जाएगा और इसी क्रम में अब हम पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने एक बड़ा काम किया है और बाकी राज्यों के, यहाँ तक कि केरल जैसे राज्य के दो दल को अपनी पार्टी में विलय करवा दिया गया है। जीतन राम मांझी अब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहे हैं। जीतन राम मांझी इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, गया के सांसद बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बड़ा उपहार भी दिया। MSME का मंत्रालय मिल गया है उन्हें और अब जीतन राम मांझी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहे हैं। जेडीयू ने भी अब तक ये नहीं किया। जेडीयू इतनी पुरानी पार्टी है, नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हैं, वो केंद्रीय में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब भी जेडीयू झारखंड में भी अपना अच्छे तरीके से विस्तार नहीं कर पाई है। लेकिन हम जैसी छोटी पार्टी केरल के दो स्थानीय दल को अपनी पार्टी में विलय करवा ली है और अब जीतन राम मांझी ना केवल साउथ बल्कि बाकी तमाम राज्यों की छोटी छोटी पार्टियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाएंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी के लिए मुश्किल भरा होगा, क्योंकि जितनी छोटी छोटी पार्टी है ये अपने पार्टी को बड़ा करके ज़्यादा सीट की मांग करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी इन तमाम छोटी पार्टियों को कैसे कन्विंस करते हैं। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।